तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हॉरलैंड। तो हम लोगों की सोसाइटी में ज़्यादातर ओल्ड पीपल्स को बहुत ही शांत और काइंड समझा जाता है, लेकिन आज के हमारे इस मूवी में हम कुछ साइकिक ओल्ड पर्सन को देखने वाले हैं जो किन्हीं कारणों के चलते अपने अंदर के काइंडनेस को खो देते हैं और वे लोग जानवर बन जाते हैं। इसके बाद में वो अपने टाउन में और क्या क्या करने वाले हैं, ये हम आगे की मूवी में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। वार्निंग, वेलकम टू हॉरलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक नोट दिखाया जाता है जिसमें लिखी हुई वार्निंग से हमें पता चलता है कि कोई अननोन एविल स्पिरिट बूढ़े लोगों को अपना शिकार बना के उन्हें पजस कर रही है, जिस वजह से टाउन के सभी बुजुर्ग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। और इसी के साथ हमें उसी टाउन का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बीमार दिख रहा था, और इसीलिए वो एक नर्स को बुलाता है जो उसके रूम में उसके केयर के लिए जाती है। नर्स के अंदर जाने पर पहले तो उसे कोई नजर नहीं आता है, और जब वो उस आदमी को आवाज लगाती है तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे आ जाता है और एक गैस सिलेंडर की मदद से वो उसके सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो उसी गैस सिलेंडर से नर्स के फेस पर बार बार मार के उसे बेरहमी से मार डालता है, और वो फिर विंडो के पास जाकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। इस सीन को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि उस ओल्ड पर्सन ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि कोई इविल स्पिरिट उसे ऐसा करवा रही है। इस इंसिडेंट के बाद में वो एक भयानक सी आवाज भी निकालता है। फिर हमें वो पूरा टाउन दिखाया जाता है, और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर खत्म होता है। हमें फिर वो पूरा टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर इन्हीं पोजेशन की वजह से हड़कंप मचा हुआ था और पूरे टाउन में जानवरों के रोने की आवाज गूंज रही थी, और यहीं पर मूवी का पहला सीन कट होता है। अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एला और उनके दो बच्चे लोरा और नोरा शामिल थे जो अपने नाना के घर पर जा रहे थे, जहाँ पर बीच रास्ते में उनको उनकी आंट का कॉल आता है जिसका नाम शोना होता है, जो उनसे पूछती है कि वे सभी कहाँ तक पहुँचे हैं। इसके जवाब में नोआ उन्हें बताता है कि वो टेंशन न ले क्योंकि सभी लोग जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और बातें करते करते मोबाइल का कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और उनकी बात पूरी नहीं हो पाती है। फिर कुछ देर के बाद में वे लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एला अपनी बहन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, और यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि दरअसल ये सभी यहाँ पर शोना की वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए थे। फिर ये सभी अंदर जाते हैं जहाँ पर नोआ अपने नाना को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते हैं। फिर वो शोना से उनके बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसके नाना रिटायरमेंट हाउस में रहते हैं, और ये सुनकर नोआ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने नाना से मिलने की जिद भी करता है। हम फिर लोरा को देखते हैं जो कि विंडो से किसी लड़के से बातें कर रही थी। उस लड़के का नाम एलेक्स होता है। दरअसल ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन लोरा के टाउन की तरफ मूव कर जाने के बाद ये दोबारा से नहीं मिल पाए थे। फिर वहाँ पर नोआ आ जाता है जो कि लोरा से बोलता है कि वो नाना को घर पर लेने के लिए जा रहा है, जिसे देखते हुए लोरा उसे उसका इनहेलर देकर खुद का ख्याल रखने को कहती है, और लोरा एलेक्स के साथ में बोट पर राइडिंग पर चली जाती है। दूसरी तरफ एला, शोना और नोआ जब नाना को लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें लुकस मिलता है जो कि एला का हस्बैंड था, लेकिन एक दूसरी लेडी के साथ रिलेशनशिप में होने की वजह से एला ने उसे तलाक दे दिया था। नोआ यहाँ पर अपने डैड से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो उन्हें गले से लगा लेता है। लुकस यहाँ पर एला से पूछता है कि वो सभी कहाँ पर जा रहे हैं, और इसके जवाब में एला उसे बताती है कि वो रिटायरमेंट होम में अपने पिता को लेने के लिए जा रहे हैं। फिर लुकस उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ उधर ही एक नर्स का काम करती है जो कि उन्हें सही रास्ता बता सकती है, और इसके बाद ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम इन सभी को उसी होम में देखते हैं जहाँ पर अंदर जाने पर पहले तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद में वे सभी एक रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर सभी बुजुर्ग लोग मौजूद थे। यहाँ पर एक ओल्ड पर्सन एला को अपनी बेटी समझ बैठता है और वो उसे अपने जान की भीख मांगने लगता है, जो कि एला को थोड़ा सा डरा देती है। इसके बाद वहाँ पर किम आती है जो कि उन्हें रिसीव करती है, और उसे देखकर एला को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसके हस्बैंड की सेकंड वाइफ थी। वे सभी फिर किम के साथ में इस घर की बहुत सी चीजों को देखते हैं, और फाइनली नोआ अपने नाना से मिलता है जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश भी होता है, लेकिन उसके नाना यहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं जो कि नोआ को थोड़ा अजीब लगता है कि मानो उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं हो। यहाँ पर ये सभी उस ओल्डेस्ट के बुजुर्गों का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब पाते हैं जो कि उन्हें लगातार घूरे जा रहे थे, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं, और एला अपने फादर से बात करती है जो कि अब रो रहे थे। वहीं पर हम एलेक्स और लोरा को जंगल में देखते हैं जहाँ पर एलेक्स लोरा को एक बहुत ही पुराना मॉन्यूमेंट दिखाता है, और उसके बारे में बताते हुए वो कहता है कि ये स्टेचू इस सिंबल का प्रतीक है
कि हम सभी को अपने पेरेंट को अपने साथ में रखना चाहिए और कभी भी उन्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करते हैं उन्हें एक कर्ज लगता है जिस कारण उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। यहीं पर एलेक्स लोरा को उस मॉन्यूमेंट पर लिखे हुए ई और एल्बर्ट को दिखाता है। उसे देखकर वो उससे पूछती है कि ये क्या है। जवाब में एलेक्स बताता है कि इसका मतलब एला और लुकस, यानी कि तुम्हारे माता और पिता, जो कि कुछ साल पहले इस जगह पर मिले थे और उन्होंने कभी भी जुदा नहीं होने की कसम खाई थी, लेकिन अब वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अगले सीन में हम शोना और उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कि शादी कर रहे होते हैं और एक दूसरे को पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। यहीं पर हम कुछ बुजुर्गों को भी देख पाते हैं जो कि लगातार उन्हें घूरे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एला के फादर बिल्कुल शांत थे और जब से एला उन्हें अपने साथ में घर वापस लाई थी तब से उन्होंने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला था। हम लुकस को एला के पास देखते हैं जो कि उससे बातें करता है और इसी दौरान वहां पर लोरा और नोवा भी आ जाते हैं जो उन्हें डांस करने के लिए ले जाते हैं और एला और लुकस को साथ में डांस करते देख अब किम को बहुत गुस्सा आता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उस ओल्ड एज हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ के सभी ओल्ड पीपल विंडो से उस फंक्शन को देख रहे थे। फिर वहाँ का कंपाउंडर आकर उन्हें सोने के लिए बोलता है और सभी को एक रूम में भेज देता है। वहीं की एक नर्स को बेसमेंट से कुछ आवाज आती है जिसे चेक करने के लिए वो नीचे जाती है जहाँ पर वो एक ओल्ड लेडी को देखती है जो कि इलेक्ट्रिक वायर को चबा रही थी। वो नर्स उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वो लेडी उससे पहले वायर को अपनी जुबान से टच कर लेती है और इस वजह से वो औरत बुरी तरीके से मर जाती है। वहीं पर एक दूसरी ओल्ड लेडी कंपाउंडर से बोलती है कि वो कुछ देर और उस फंक्शन को देखना चाहती है लेकिन वो उसे मना कर देता है और वो उस लेडी के रूम में उसको धक्का दे देता है जिस वजह से उस ओल्ड एज के सभी बुड्ढे उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। नर्स को एक खौफनाक चीख सुनाई देती है जिसे सुनकर वो ऊपर आती है जहां पर वो उन सभी बुजुर्गों को खून से लथपथ देखती है जिसका मतलब उन लोगों ने उस कंपाउंडर को ब्रूटली तरीके से मार डाला है। वे सभी उस नर्स पर भी हमला कर देते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है लेकिन उसके कॉल करने से पहले ही एक बूढ़ा आदमी उसके सर पर एक रॉड से हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। अब वे सभी बूढ़े उसे घसीटते हुए अपने साथ में ले जाते हैं और हमें बस उस नर्स की भयानक चीख की आवाज सुनाई देती है और इसके कुछ ही देर के बाद में उसका चिल्लाना भी अब बंद हो जाता है जिसका मतलब ये साफ था कि वो नर्स अब मारी जा चुकी है। तो अब हम उन बुजुर्गों में एबनॉर्मल चेंजेस को आता हुआ देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है और सभी बुजुर्ग उस ऑफरेंस से बाहर आ जाते हैं जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम उस फंक्शन को देखते हैं जहाँ पर तेज बारिश के कारण सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में हम लुकस और किम को देखते हैं। किम यहाँ पर लुकस से पूछती है कि क्या वो अभी भी अपनी पुरानी वाइफ से प्यार करता है और फिर हम एला को देखते हैं जो कि नोवा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वो नोवा एला से कहता है कि आज वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसने अपने माता पिता को इतने सालों के बाद में एक साथ डांस करते हुए देखा है। वहीं पर हम शोना को उसके हस्बैंड के साथ में उनकी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करते हुए देखते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी घुस आता है और वो अपने पैरों से सॉक्स निकाल देता है ताकि किसी को भी उसकी मौजूदगी का एहसास न हो और वो अपने हाथों में एक हथियार को ले लेता है ताकि वो उन दोनों को जान से मार सके। फिर हम किम और लुकस को उनके घर के पास देखते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे बूढ़े आदमी को नोटिस करते हैं जो उन्हें ही घूर रहा था। जब किम उस पर लाइट मारती है तो बूढ़ा वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने टाउन को देखते हैं जो कि आग में झुलस रहा था और वहाँ पर उन्हें जानवरों के रोने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी और इसी के साथ में ये सीन यहाँ प्रकट होता है। अगले सीन में हम शोना को उसके हस्बैंड के साथ में इंटीमेट होते हुए देखते हैं जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी आ जाता है और वो उसके हस्बैंड को ब्रूटली मार डालता है। इसे देखकर शोना अपनी जान बचाकर वहां से भागती है लेकिन वो एक बॉल उसके सर पर मारता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो आदमी उसके पास आकर उसे भी मार डालता है। शोना के चिल्लाने की आवाज से एला उठ जाती है और बाहर अपनी बेटी लोरा को पाती है जो कि उसे बताती है कि उसने बाहर बहुत से बूढ़े आदमियों को देखा है। जिसके बाद एला विंडो को चेक करती है पर उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है जहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और उसे देखकर एला उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या लेने के लिए आया है। वो बूढ़ा आदमी एला को एक बुक का पन्ना फाड़ कर देता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो सभी बुजुर्गों की इज्जत करें। वहीं पर उन्हें एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और वो कुछ खा भी रही थी लेकिन जब वो उस पर टॉर्च मारते हैं तो वहां से वो क्रॉल करते हुए भाग जाती है और ऐसा सीन देखकर वे काफी ज्यादा डर जाते हैं। एला अपनी बहन को चेक करने उसके रूम में जाती है जहां पर उसे बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी।
फिर जब वो एक पर्दे को हटाकर देखती है तो उसे वहाँ पर उन दोनों की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और दुखी होकर रोने लगती है। यहीं पर वो उस ओल्ड लेडी को भी देखती है जो कि अपने हाथों में एक छुरी को लेकर बैठी हुई थी। वो कुछ समझ पाती, उससे पहले ही बहुत से बूढ़े लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एला किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसकी टक्कर लुकस और किम से हो जाती है जो कि उसे इतना डरा होने का कारण पूछते हैं। एला उन्हें पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है और उसकी बात को सुनकर सभी अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। अंदर एला लोरा से पूछती है कि उसके नाना कहाँ पर है और इसके जवाब में लोरा जी कहती है कि उसके नाना को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। फिर एला को नोआ याद आता है और वो नोआ के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है और सभी उसे ढूंढने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन नोआ उन्हें घर में कहीं भी नहीं मिलता है। फ्रस्ट्रेट होकर एला गन निकालकर बाहर आ जाती है और सभी बूढ़े लोगों को अपना गन पॉइंट पर ले लेती है। वहीं पर वो अपने पिता को भी देखती है जिन्हें देखकर वो उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन उसके पिता को भी कुछ नहीं पता था। फिर मौका पाकर उन बुड्ढों का लीडर उनके घर में घुस जाता है और किम को पकड़ लेता है। डरने की वजह से किम उनसे कहती है कि ऑर्फनेज में उसने कभी भी किसी भी बुजुर्ग को हर्ट नहीं किया है और वो उसे जाने दे, जिसे सुनकर वो सभी किम को छोड़कर लोरा के पीछे पड़ जाते हैं। लोरा की चीख सुनकर लुकस और एला उसकी जान बचाने के लिए अंदर जाते हैं, जहां पर वो उसके लीडर को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और बूढ़ों का लीडर वहीं पर बेहोश हो जाता है। लुकस फिर उसे एक चेयर में बांध देता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है और लुकस के मुंह पर थूक देता है, जिससे कि एला को गुस्सा आ जाता है और वो उसे शूट करने से पहले उसे अपने बेटे नोआ के बारे में पूछती है, लेकिन वो आदमी उसकी बात को न सुनकर उसे कहता है कि उसे मेरे अंदर क्या दिख रहा है, एक इंसान या एक जानवर। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर नोआ आ जाता है जो कि बिल्कुल सही सलामत था, और उसे देखकर एला उसे अपने गले से लगा लेती है और पूछती है कि वो इतनी देर कहाँ पर था। नोआ उसे कहता है कि उसके नाना ने उसे एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया था ताकि वो उसे इन सबसे बचाकर सेफ रख सके। इतना कहते हुए नोआ की सांसें फूलने लगती है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं और लुकस नोआ को सुला देता है ताकि नोआ रेस्ट कर सके। हम अब किम को देखते हैं जो कि उस बूढ़े आदमी को घूर रही थी, और फिर अब काफी ज्यादा रात हो जाने के बाद में इन सभी की आंखें लग जाती है, जहाँ पर सपने में लोरा ये देखती है कि उसके नाना ने नोआ को एक हैमर की मदद से जान से मार डाला है। उसकी तुरंत आंखें खुल जाती है और बहुत डरी हुई थी। फिर हम बाथरूम में किम और एला को बातें करते हुए देखते हैं, जहां पर मौका पाकर किम एला पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और घर के बाहर फेंक देती है, जिसके बाद होश आने पर एला खुद को उन सभी बूढ़े आदमियों के सामने पाती है जो कि उससे ही घूर रहे थे, और वो उस पर हमला कर देते हैं। एला अपनी मदद के लिए सबको पुकारती है, जिसकी आवाज सुनकर लुकस और उसके दोनों बच्चे वहां पर आ जाते हैं, और उन्हें आता देखकर किम दरवाजे की चाबी को खाने की कोशिश करती है ताकि वे सभी एला को न बचा पाए, लेकिन लुकस उसके मुंह से चाबी को निकाल लेता है और एला की जान बच जाती है। लोरा फिर वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर से उन सभी बूढ़ों को भगा देती है, और इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर किम विंडो से नीचे कूद जाती है, जिससे कि वे सभी बूढ़े उसे नो सोचकर खा लेते हैं। अब वहां पर वे बूढ़े आदमखोर वहां पर आग लगा देते हैं, और उसे देखकर लोरा अपनी मदर को बताती है कि इस घर में एक सीक्रेट टनल है जिसमें घुसकर हम अपनी जान बचा सकते हैं। लोरा की बातों को सुनकर एला ठीक ऐसा ही करने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो लुकस के पास जाती है, लेकिन लुकस इतने ज्यादा दर्द की वजह से वहीं पर मारा जाता है। लुकस को मरा देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो फिर उस टनल के थ्रू अकेले बाहर जाने लगते हैं, जहां पर रास्ते में ही वो बूढ़े लोरा की मदर को पकड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालते हैं। फिर अब लोरा अकेले ही इस टनल से बाहर आती है और हेल्प के लिए वो एलेक्स को कॉल करती है, जहाँ पर एलेक्स उसे उसी जगह पर आने का बोलता है जहाँ पर उसने वो मॉन्यूमेंट को देखा था, और अचानक से कॉल कट हो जाता है और वे बूढ़े आदमी लोरा का पीछा करते हुए उस टनल के थ्रू वहां पर आ जाते हैं। वे फिर लोरा को जैसे ही मारने वाले होते हैं कि तभी लोरा अपना फैमिली सॉन्ग गाने लगती है, जिससे कि उसके नाना अपनी असलियत को पहचान जाते हैं और वो नॉर्मल होकर लोरा को अपने गले से लगा लेते हैं। फिर वे सभी भागते हुए बाहर आते हैं, जहाँ पर एलेक्स उन्हें अपनी बोट में बैठाकर सही सलामत भगा लेता है। लोरा जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो उस आइलैंड पर बहुत से पागल बूढ़ों को देखती है जो कि उन्हें घूर रहे थे, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमने एक आइलैंड को देखा जहाँ पर सभी बूढ़े आदमी एक आतंकखोर में बदल गए थे, क्योंकि इस आइलैंड पर ऐसा कर्ज था कि अगर कोई भी अपने बूढ़े पेरेंट्स को छोड़कर जाता है तो उनकी फैमिली पर कर्ज लग जाता है, और बूढ़े होने के साथ साथ
उन पर एक एविल स्पिरिट हावी हो जाती है और वे उनके सामने आने वाले लोगों को मार डालते हैं। इस मूवी में हमने एला और उसके दो बच्चों को देखा जो कि अपने आंट की शादी में उसी आइलैंड पर जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस आइलैंड पर उनके साथ में क्या होने वाला है। लोरा का एक हस्बैंड भी उसी आइलैंड पर रहा करता था जहाँ पर उसकी दूसरी वाइफ जो कि एक नर्स थी वो एला को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़ों की चपेट में आकर वो खुद ही मर जाती है। एला के पिता भी एक बूढ़े थे और वो भी कर्ज के चलते एक आदमखोर बन गए थे, लेकिन मूवी के एंड में उन्हें अपनी असलियत पता चली और उन्होंने अपनी बेटी की बेटी को बचाया। एलेक्स जो कि उसी आइलैंड पर रहा करता था उसने भी लोरा की मदद की और वो उसे वहाँ से सेफ निकाल कर ले गया। तो आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके जरूर जाना। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।